हेलो जी, मैं हाँ कुलदीप कौर। मेरे वालों सारिया प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं पंजाबी ब्लॉग विद टवाणा फैमिली चैनल से थोड़ा स्वागत करती हूँ जी। अज की वीडियो आप बनावे जी चना मसाला, कावली छोले, चिट्टे छोले। तो वो मैं वीडियो तेरे साझी करूँगी। तो वो अपन की कुछ चाहिए की करना वह आप आज देख लें। लो जी, इधर कुकर च आप पानी धर लिया। तो ये आप पावे धोते हुए आलू, जोड़े मैं चंकी तरह वॉश कर लेने। पांच आलू ने जी। तो अज आप सब्जी फुली बनानी आ, इसलिए मैं जोड़े छोले ने चिट्टे छोले जी, वाइट चना, तो इन्हों कावली छोले कहा जाता, चंकी तरह धो के साफ कर लेने। तो हूँ मैं इन्हों कुकर पाऊंगी, तो नाल ही आलू के छोले ने जोड़े अपने कट्ठे हो जाएंगे, उबल जाएंगे जी। तो अपन सब्जी करने के सुखाला हो जूगा। तो इन्हों आप सिर्फ एक या दो सीटी लवावे, क्योंकि जोड़े चिट्टे छोले होंगे ने जे इन्हों आप ज़्यादा उबाल लीए, बॉयल कर लीए, तो इन्हों तो छिलका जहा उतर जाता। इस करके आपू बस एक सीटी या दो ही लवावे, तो वध नहीं लवाते जी। आलू ही अपने छेती हो जाएंगे, तो ना ही मैं कोई मिठा सोडा पाऊँगी, ना ही मैं नमक पाऊँगी, क्योंकि फिर जब आप सब्जी के पाने फिर घट वध हो जाता। लो जी, एक किलो छोले ने, तो चार पाँच मैं आलू पाए ने, इन्ने उबाली आँदी है जी, ये उबलते हैं, इन्ने आप मसाले की तैयारी करेंगे। लो जी, आ दो लिया ने मैं बड़िया इलायचियाँ, तो एक चाह पत्ती थोड़ी जी, तो इनू आप एक छोटी जी पोटली बना लेनी है। मैं पोटली बना के इनू आप पा देंगे, क्योंकि जिहड़ी चना मसाला बनाया हों अपने ढाबों के उत्ते बनया हों होटलों के बनया हों काला क्यों हों, उन्होंने चाह पत्ती की रंगत दिती होंगी आ, या फिर इमली का पानी पाया हों जी वे, तो आप चाह पत्ती की रंगत देवे जी इनू, तो चंकी तरह बन देनी है पोटली भी अपनी खुले ना, भी चाह पत्ती है जी बिच ना हो। लो जी, मैं पोटली बना ली, इनू ये पा देंगे, तो आ दो मैं दालचीनी के टुकड़े लेने वो भी पा दूंगी। मैं सॉरी जी, पहला पाना भुल गई सी, मैं दोबारा पा रही हूँ, पाया जी। तो हूँ आप उबाल लेंगे, तो उधर आप करते हैं जी तड़के की तैयारी। लो जी, जिहड़ा आपां सब्जी नूं तड़का लाउणा उहदे वास्ते मैं चार तले ने इह प्याज जी, ते अदरक दा एडा कु टुकड़ा लिया, क्योंकि गर्मी है ज़्यादा पाउण दी कोई जरूरत नहीं हैगी। लहसुन है जी, ये भी मैं देख के पाऊँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी आ, बाकी सब्जी अज अपनी खुली बनूगी तो करके थोड़ा जिहा वध भी पै जूगा। दो टमाटर लए ने जी, टमाटर जे आप ज़्यादा पाने फिर सब्जी खट्टी ज़्यादा हो जाती है जी। तो आह मैं लिया ने जी हरिया मिर्चा, तो कुछ आप पा लेंगे लाल मिर्च पाउडर जी। तो हूँ मैं मसाला तैयार कर दी जी, मसाला तैयार करके फिर सानू मिल दें जी। लो जी, मसाला आप तैयार कर लिया, तो हूँ इधर मैं तेल भी धर लिया। अज सब्जी मैं पतीले च बनाऊँगी, खुली बनाऊँगी जी, क्योंकि अज असी सारी फैमिली इकट्ठे रोटी खावे। अज मेरी बेटी का बर्थडे है जी, साडा अनोखा तरीका है बर्थडे मना, सारी फैमिली मिल के कट्ठे सारे रोटी खाने। लो जी, इधर मेरा तेल भी हो गया, तो हूँ मैं ये पाऊंगी जीरा जी, पहला ते नाल पाऊंगी तेज पत्ता जी। तो ये मैं प्याज ने जी, तो हरी मिर्च है, तो लहसुन है, वह कट्ठे मैं ग्राइंड कर लेने, मैं अलग अलग नहीं करे, हम वो पा लेंगे जी। तो मसाले में आप चंगी तरह भुनना गया अपने। आप बनावे जी ढाबा स्टाइल चना मसाला। लो जी, आप अपना कप भी धो के पाता, अपना वेस्ट ना जाए समान।
लो जी हुण अपना जिहड़ा प्याज ते लहसुन मिर्च हरी मिर्च है थोड़ा जिहा भुज गया। हुण आपां इहदे विच पावांगे जी टमाटर की प्यूरी जिहड़ी मैं टमाटर की बना के रखी अलग वो पा देंगे जी। वड्डी फैमिली है जी साडी जदों असीं मतलब साडे कोई प्रोग्राम हुंदा फिर असीं इकट्ठी रोटी खाने एक टाइम दी ते अज असीं इकट्ठे रोटी बनावांगे पर बर्थडे वाली बेटी है जिहड़ी ओह बाहर है जी ते फॉरन दे विच आ ते उहने अपना उधर केक कट लिया ते इधर असीं सारी फैमिली इकट्ठे हो के खुशी दे विच है ना सारे रोटी खावांगे। जदों अपणिआं नाल मिल के आपां कोई कम मतलब करदे हाँ है ना जां अपणिआं नाल मिल के रोटी पानी बैठ के इकट्ठे सारी फैमिली खाने तो उहदा ही जिहड़ा मज़ा अलग ही हुंदा जी खुशी अलग ही हुंदी आ सारी फैमिली जदों इकट्ठे हुंदे आ। ते पहलां असीं जॉइंट फैमिली दे विच रहिंदे हुंदे सी थोड़ा ही टाइम होया सानूं अलग अलग होया पर साडे दुख सुख कोई भी होवे सो कोई खुशी का होवे फिर असीं उहदे इकट्ठे हो के सारे इक फैमिली 'च इकट्ठे हो जांदे आ जी कोई फर्क नहीं हैगा। लो जी मसाला अपना कुछ भुनिया गया कुछ आप हूँ ये नमक मिर्च पा के मसाले पा के भुनागे तो वह भी पक जाएंगे तो हम पावे जी आप हल्दी हल्दी सब्जी के मुताबिक पावे सब्जी आप ज्यादा है जी तो नाल पावे लाल मिर्च कुछ हरिया पाई हुई ने मिर्च थोड़ी पावे जी तो नाल पावे जी नमक नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर भी पैजूगा जी तो जिहड़ा चना मसाला कसूरी मेथी वो आप बाद सब्जी बनी तो पावे जी। हुण आप मसाले उदों तक भुनागे जो तक भी मतलब कि वो छड जाए तुसीं कहोगे पित्तल का पतीला रख रखा जी फिर फैमिली वड्डी हुंदी आ फिर वड्डे भांडे च ही बनती है तो ये कली की हुई है तो सब्जी सूजी वगैरह ही बनानी हुई है मैं ये जब दुध उबाल दे दें जो ज़्यादा होंगे तो इधर इधर अपने छोले भी उबल गए जी तो आलू ने जी ये मैं कट लेन छिल दियाँ तो इन्हों मैं छिल के वो कर दी तो इधर अपना मसाला पक रहा लो जी मसाला अपना पक गया तो हम आप आलू ने जोड़े बाल किए थे बाले थे तो वह फे ले मैंने मैश कर ले वो पा देंगे इन गाढ़ी करने वास्ते होंगे सब्जी अपनी जी ग्रेवी आड़ी हो जाती है मसाला अपना रिज गया जी ये छड़ता हूँ मैं आलू पाते करके फिर वाइट जहा हो गया है तो हम आप पक्के हुए जो छोले ने अपने वह पा देंगे सने पानी पावे जी यदा बिचे पानी जी चाल उबाले थे अपने भी जोड़ा यहाँ हो रंग हों कलर जोड़ा चाह पत्ती भी वह बिचे ये पावे ता करके अपनी सब्जी का जोड़ा रंग वो सोहना बने छोले पाते अपने तो इनू बनावे आप ढाबा स्टाइल हूँ इनू रिझण देवे तो ये पावे आप थोड़ा जहा पानी जी इन्ने रिझूगी इन्ने आप करेंगे अपने होर काम जी अपनी सब्जी बन गई है देखो लास्ट स्टेज पे आ गई हूँ देखो कि सोहना का कलर आया है देखो जी कितनी सोहनी सब्जी बनी है जी नाले खुली बनाई है एक किलो छोले सीगे ते हुण लास्ट दे विच पा देंगे जी कसूरी मेथी
जी हाथों मैं क्रश की हुई है। पावे आप चना मसाला जी, सब्जी अपनी रेडी है जी। तो मैं थानू एक डोंगे दे विच सर्व करके दिखाउनी हां, क्योंकि ये पतीले दे विच ज़्यादा होने करके थानू पता नहीं इन्ना लग रहा होना इहदा वी कलर किवें दा आएगा किवें दी। लो जी इधर मैं सब्जी डोंगे दे विच रेडी कर ली जी, पा ली तुहानू किवें लगी। तो फिर नाल ही पा देंगे थोड़ी जी ये क्रीम जी, इहनू थोड़ी जी डेकोरेट करांगे ते इहदे नाल क्रीमी जी लुक हो जूगी इहदी। हाँ जी मेरी वीडियो किवें लगी, जे वधिया लगी तो प्लीज़ लाइक करियो जी, वीडियो नूं अगे शेयर जरूर करियो जी, ते कमेंट करके दस्यो तुहानू मेरी वीडियो बनाउण दा तरीका किवें लग्या जी, ते मैं खुली सब्जी बनाई तुहानू किवें लग्या वी ज़्यादा सब्जी बनाउणा वधिया लगदा है ना अपनी फैमिली दे लई। सो अज दी वीडियो विच इन्ना ही जी, मिलांगे किसी नवी वीडियो दे विच नवी रैसिपी दे नाल। तद तक लई सारिआं नूं सति श्री अकाल जी।